सत श्री अकाल जी सारिया नूं स्वागत करदी हां। मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। अज दी इस वीडियो दे विच असी करांगे 29 अप्रैल 2023 दे नाल रिलेटिड इंपोर्टेंट करंट अफेयर दे MCQ। हर एक MCQ दे नाल रिलेटिड मैं तुहानूं इंपोर्टेंट फैक्ट भी दसांगी, सो वीडियो नूं पूरे ध्यान दे नाल सुनना। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ PDF ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ PDF ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया? हाँ जी, भारत के पंजाब राज दे विच 1 मई नू मजदूर दिवस मौके ते सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया। यह ऐलान किया पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, पंजाब। हुणे पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया तो देख सकते हो तुसी मैप दे विच पंजाब। हाँ जी, पंजाब की कैपिटल आ चंडीगढ़, इतों के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान, इतों के गवर्नर आ बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब भारत का इस तरह का राज आ जिस विच कोई भी नैशनल पार्क नहीं गा। पंजाब दे विच 3 दरिया वगदे आ, सतलुज, रावी, ब्यास। पंजाब खेत्रफल पक्षों 19वां राज आ भारत का, तो जनसंख्या के पक्षों 15वां राज आ। पंजाब का दिल माझे नूं बोलिया जाता। पंजाब का दिल किनू बोलते हैं? माझे नूं। पंजाब दे विच 3 दरिया वगदे आ, सतलुज, रावी, ब्यास। पंजाब दे विच टोटल 21 वैटलैंड्स आ, जिन्हां दे विचों 12 कुदरती आ ते 9 मनुख द्वारा बनाई गई। ठीक है, हाँ जी, तिना दे विचों 6 नूं रामसर साइट घोषित किया गया। तो पंजाब की हद एक देश नाल लगती है, किहड़े नाल? पाकिस्तान नाल। 3 राज्यां नाल लगती है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा अते राजस्थान। 2 केंद्र शासित प्रदेशों के नाल लगती है, चंडीगढ़ अते जम्मू कश्मीर। अबोहर वाइल्डलाइफ सेंचुरी काले हिरण लई मशहूर आ। पंजाब दे फेमस लोक नाच आ भंगड़ा अते गिद्धा। इस तों इलावा सम्मी जागो किकली नूं भी इत्थों दे फेमस लोक नाच मन्निया जांदा। पंजाब दे उत्तर पूर्व दे वल शिवालिक दीआं पहाड़ियां ने, दक्षण पश्चिम दे वल रेत दे टिब्बे ने। ये तुसीं याद रखना। जेकर पंजाब दी करंट अफेयर दी गल करिए तां राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब दे राजपाल दे प्रमुख सकत्तर दा अहुदा संभालिया। पंजाब सरकार ने गीतां दे विच हथियारां दी प्रदर्शनी ते पूर्ण पाबंदी लगा दित्ती। पंजाब सरकार ने अपने मुलाजमां दे लई पुरानी पेंशन स्कीम लागू कीती। पंजाब विच एशिया दे सब तों वड्डे कंप्रैस्ड बायोगैस प्लांट दा उद्घाटन होया। पंजाब 4 बागवानी अस्टेट स्थापित करेगा। पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करन वालियां लई महीनावार वजीफे दा ऐलान कीता। पंजाब विच एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू कीती गई। नैक्सट है, किसने हाल ही विच महिला सन्मान बचत पत्र योजना शुरू की है? हाँ जी, एक स्कीम शुरू की गई है जिसका नाम है महिला सन्मान पत्र योजना। महिला सन्मान बचत पत्र योजना शुरू की है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो देख सकते हो तुसी इमेज दे विच भी इन्होंने आप लाइन दे विच खड़ के इस योजना शुरू किया वा। ये विच की है, महिलावां नूं निवेश की आदत पाउण दे लई इह जिहड़ी स्कीम आ शुरू की गई है। तो किने शुरू की है? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। नैक्सट है, हाल ही विच किस कंपनी नूं नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजेज नाल सन्मानित किया गया? हाँ जी, नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजेज नाल सन्मानित किया गया रेल विकास निगम लिमिटेड नूं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है जी, हाल ही विच किस देश का रिसर्च रॉकेट गलती दे नाल नॉर्वे दे विच उतर गया? हाँ जी, स्वीडन का रिसर्च रॉकेट सी जिहड़ा गलती दे नाल नॉर्वे दे विच उतर गया। ऑप्शन वी इज़ द राइट आंसर, स्वीडन। ये स्वीडन का सी, तो स्वीडन की कैपिटल की आ? स्टॉकहोम। इतों की करंसी आ स्वीडन करोना। इतों के प्राइम मिनिस्टर आ उल्फ क्रिस्टर्सन। ठीक है, नैक्सट है, हाल ही विच एसोसीएशन ऑफ एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियां दे सीईओ कौन बने? हाँ जी, एसोसीएशन ऑफ एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियां दे सीईओ बने आ हरिहर मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हुण आपां इक अपॉइंटमेंट की गल की आ, तरनतीर ठाकर नूं टाटा इलैक्ट्रॉनिक्स द्वारा MD अते सीईओ चुनिया गया।
जे तरलोक सिंह चौहान नूं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का कार्यकारी चीफ जस्टिस चुनिया गया। जे वाहू देवानंद ने मद्रास हाई कोर्ट के वधीक जज वजो सौं चुकी। एल आई सी ने रत्नाकर पटनायक नूं मुख निवेश अधिकारी नियुक्त किया। नैक्सट है, हाल ही विच प्रधानमंत्री मोदी ने वन अर्थ वन हैल्थ दे 6वें एडिशन का उद्घाटन किथे किया। हाँ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन अर्थ वन हैल्थ दे 6वें एडिशन का उद्घाटन नवी दिल्ली दे विच किया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नैक्सट है, कौन हाल ही विच KBM स्पाइसिस का ब्रांड अवेजर बनिया। हाँ जी, ब्रांड अवेजर बने हैं KBM स्पाइसिस दे परिणीति चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो देख सकते हो तुम इमेज के भी। हाँ जी, हूँ आप एक ब्रांड अवेजर की गल की है तो HSBC इंडिया ने विराट कोहली अपने ब्रांड अवेजर बनाया। जियो सिनेमा ने रोहित शर्मा अपने ब्रांड अवेजर बनाया। स्टार स्पोर्ट्स ने रणवीर सिंह अपना ब्रांड अवेजर बनाया। विराट कोहली लक्सर ने ब्रांड अवेजर बनाया विराट कोहली नूं, ठीक है, लक्सर ने। महेंद्र सिंह धोनी नूं बायाकॉम 18 का ब्रांड अवेजर चुनिया गया। नैक्सट है, किस संस्था ने हाल ही विच स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट नाम की रिपोर्ट जारी की। हाँ जी, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट नाम की जिहड़ी रिपोर्ट है 2022 की तैयार की गई है ते हुण ये तैयार की है WMO ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। WMO जाने के वर्ल्ड मैट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट तैयार की गई है। इस दे विच की आ, इस विच ये इसलिए जारी की गई है क्योंकि पिछले कई सालों के यूरोप के कई हिस्सों के गर्मियों के जोड़ा टैंपरेचर वो बहुत ज़्यादा पाया गया। हूँ WMO ने की, यानी कि वर्ल्ड मैट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने की है। तो इसकी स्थापना कदों हुई 1950। इसका हैडक्वार्टर जनेवा दे विच। एट प्रेजेंट इस दे हैड कौन ने, कैरहेड कैडरिन। नैक्सट है जी, हाल ही विच साइकलिंग फैडरेशन का नवा प्रधान किसनों चुनिया गया। हाँ जी, साइकलिंग फैडरेशन के नवे प्रधान चुने गए हैं पंकज सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे आ पंकज सिंह, तो इन्हों ही साइकलिंग फैडरेशन के नवे प्रधान चुनिया गया। देख सकते हो तुम इमेज के भी पंकज सिंह। नैक्सट है, हाल ही विच 64 साल बाद निजी तौर पर रैमन मैगसेसे पुरस्कार द्वारा किसनों, जां आप कह सकते हैं किसनों सम्मानित किया गया। हाँ जी, 64 साल बाद निजी तौर पर रैमन मैगसेसे पुरस्कार मिलिया वा दुलाई लामा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दुलाई लामा ये तिब्बती धर्म गुरु आध्यात्मक गुरु आ, ठीक है, तो इन्हों ही 64 साल बाद सम्मान मिलिया वा। नैक्सट है, हाल ही विच किस राज सरकार ने 3 नवे कंजरवेशन रिजर्व बनाए हैं। हाँ जी, 3 नवे कंजरवेशन रिजर्व बनाए हैं राजस्थान ने। इस दे नाल टोटल राजस्थान दे विच हुण 26 कंजरवेशन रिजर्व बन गए हैं, ठीक है। तो जिहड़े हुण नवे 3 ऐड होए हैं इन्हां दे नाम भी तो तुहानूं पता होने चाहिए हैं। हाँ जी, राजस्थान के जोधपुर दे विच खिचण नूं नवा कंजरवेशन रिजर्व बनाया गया खिचण, ठीक है। तो भीलवाड़ा दे विच, राजस्थान के भीलवाड़ा दे विच हमीरगढ़ नूं नवा कंजरवेशन रिजर्व बनाया गया। तो बारन दे विच, राजस्थान के बारन दे विच, ये जिलों के नाम जो मैं तुहानूं दस्सिया जोधपुर भीलवाड़ा बारन, इस दे विच सौरसन नूं कंजरवेशन बनाया गया, ठीक है। इन तुहानूं पता होना चाहिए। हुण टोटल 26 कंजरवेशन रिजर्व बन गए आ राजस्थान दे विच। तां देख सकते हो तुसीं मैप दे विच राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल की है जयपुर। इतों के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, इतों के गवर्नर आ कलराज मिसरा। राजस्थान के सरिस्का नैशनल पार्क आ, रणथौंबोर नैशनल पार्क आ, डिजर्ट नैशनल पार्क आ, मुकुंदरा नैशनल पार्क आ, कुंबलगढ़ नैशनल पार्क आ, क्यौला देव नैशनल पार्क आ। खेत्रफल के पक्षों भारत का सब तो व्डा राज आ राजस्थान। मनरेगा के तहत मैन डे उत्पादन राजस्थान टॉप पर रहा। राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 रोजा बाजरा उत्सव का आयोजन किया गया। दुनिया का तीजा ते भारत का दूजा सब तो वड्डा क्रिकेटर स्टेडियम राजस्थान दे विच बनाया जाएगा। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया। भारत की पहली बिहारक लैब जयपुर दे विच स्थापित की जाएगी। राजस्थान के कोटा दे विच MSME उद्योगिक प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन किया गया।
18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर के आयोजित की गई। नैक्सट है, हाल ही विच स्मोक एंड एसेज किताब किसने लिखी? स्मोक एंड एसेज किताब लिखी है एक किन्ना ने लिखी आ? ये लिखी है जी अमिताभ घोष ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो देख सकते हो तुम इमेज दे विच बुक स्मोक एंड एसेज। ठीक है, हुण बुक की गल की है तो रिसेंटली असीस कुंद्रा ने ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नरेटिवज ऑफ चेंज किताब लिखी। वोरिया मजूम द्वारा लिखी गई नवी किताब सचिन एट द रेट 50 सैलीब्रेटिंग ए मैस्ट्रो रिलीज़ की गई। बी पताबी द्वारा किताब लिखी गई है द ग्रेट बैंक रॉबरी NPS स्केम एंड अ फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। नैक्सट है, हाल ही विच भारत ने किस देश विच नैट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करन दा ऐलान किया? हाँ जी, भारत ने UK दे विच नैट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करन दा ऐलान किया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, UK। हुण भारत ने यह ऐलान UK दे विच किया तां देख सकते हो तुसी मैप दे विच UK। UK दी कैपिटल की है? सिंगापुर। इतों की करंसी है सिंगापुरियन डॉलर। तो इतों के प्राइम मिनिस्टर हलीमा याकू। UK लखां फोनों पर एमरजेंसी चेतावनी प्रणाली की जांच की है UK ने। UK दे गैर कानूनी माइग्रेशन बिल पेश किया। सबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नूं UK वालों लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर नाल सम्मानित किया गया। जागृति जाधव एक दिन लई भारत विच ब्रिटेन की हाई कमिश्नर बनी। हाँ जी, इस दे नाल साडी अज दी वीडियो खत्म हुंदी है। ये वीडियो तुहानू किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स के जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी हो प्लीज़ वीडियो में लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।